ठीक है ना, थैंक यू बेटा, करेगा बेटा। सर मेरा नाम नाजिम, मतलब उनके लिए तो ये 2014 में भी हुआ था, बट इंडियंस के लिए प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। वेस्टर्न साइड के तो निकल आए, ईस्टर्न साइड्स के अभी भी लटके हुए हैं, तो उनको गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रही है आज यूक्रेनियन टाइम 12 बजे तक वो सब इवैक्यूएट हो जाएंगे मिशन गंगा के तरीके। वही वॉर वाली सिचुएशन है और वही शेलिंग वगैरह हो रही, तो लोगों ने अंडर, क्योंकि यूक्रेन में या फिर सोवियत यूनियन की हर बिल्डिंग के नीचे एक बॉम्ब शेल्टर होता है, तो शेल्टर्स में है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, खाना पानी है। अभी एम्बेसी की तरफ से हेल्प यूक्रेनियन साइड पे नहीं हो पाए बिकॉज वहाँ पे बंद था सब। पोलैंड साइड पे या जिस कंट्री के साइड पे वहाँ पे अच्छी खासी हेल्प की। वो प्रॉब्लम उनका नहीं था, वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट जो वहाँ के सोल्जर्स थे आर्मी का, उनका प्रॉब्लम था, वो कंट्री का कोई इशू नहीं था। आई एम रियली थैंकफुल एम्बेसी के लिए और हमारे गवर्नर के लिए कि उन्होंने इतनी हेल्प की हमें इवैक्यूएट कराने के लिए। और जो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे अभी अटके हुए हैं जो वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में है, जो एक्चुअल में रियल वॉर सिचुएशन में है, तो उनको इवैक्यूएट किया जाए बस। कितने खुश हैं आप आज घर पहुँच के? तो सभी खुश होते हैं।